भारत में 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए मामले, डेल्टा प्लस से 5 की मौत। अहमदाबाद में वाहन स्पैकिंग प्लांट लगाने में गुजरात सरकार की मदद करेगी टाटा मोटर्स। समस्तीपुर में सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव, प्रशासन की ओर से राहत की इंतजाम नहीं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी सांसदों और सुनीता विलियम्स ने दी बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर रेलवे, सिलीगुड़ी पर आरपीएफ कर रही चेकिंग। जनपद सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं एसओजी सिपाही अवनीत सिंह भी घायल हो गए। एसओजी और सदर पुलिस के संयुक्त टीम में चले इस अभियान में कुल 5 शातिर बदमाश पकड़े गए, जिनके पास कुल चोरी की 10 मोटरसाइकिल, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए 2 बदमाश नेपाल के, बाकी बलरामपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर लगभग आज सुबह 4 बजे सदर पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सदर थाना के कल्याणपुर के पास मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। एसपी द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। सिद्धार्थनगर थाना, सिद्धार्थनगर कोतवाली क्षेत्र में आज एसओजी की टीम सुबह चेकिंग कर रही थी। इनके पास कहीं इनपुट था कि जनपद में जो विभिन्न दिनांकों में जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, उसके कुछ मोटरसाइकिलों के साथ में जो गैंग में इन्वॉल्व लोग हैं वो आएंगे, तो उसकी चेकिंग में पुलिस लगी हुई थी एसओजी की। उन्होंने 3 लोगों को जो संदिग्ध थे वाहन पे, उन्हें रुकने का इशारा किया, उनके द्वारा पुलिस को गोली चलाई गई। इसमें उनके 2 साथी जो बाद में आए उनकी भी गिरफ्तारी की है। टोटल 5 लोग इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक अभियुक्त इसमें मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। एक एसओजी का कर्मचारी भी हमारा घायल हुआ है। इनसे टोटल 10 बाइक बरामद हुई है। इन 5 लोगों में से 2 लोग नेपाल के रहने वाले हैं, 3 लोग बलरामपुर के रहने वाले हैं, और उनके द्वारा जनपद बस्ती में, बलरामपुर में और सिद्धार्थनगर में चोरी, नकबजनी, लूट इत्यादि की घटना कारित की गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं झिन्नू, उसके ऊपर 25 अभी मुकदमों का हमें उसका आपराधिक इतिहास मिला है, जिसमें चोरी, लूट, NDPS, गैंगस्टर, गुंडा सभी तरीके के अपराध हैं। इनके तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं, यहाँ से वाहन चुरा कर ये लोग नेपाल में बेचते हैं। नेपाल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित पुलिस ने किए हैं, अभी उनके नाम हम उजागर नहीं कर रहे, जो इसमें पूरे फोकस में शामिल हैं, और यहाँ से वो वाहन चोरी होकर जाते हैं, वहाँ पर अच्छे दाम वो लोग बिकवाते हैं, उन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस को, पुलिस ने जो अच्छा काम इसमें किया है, जो एसओजी ने, पुलिस की टीम ने इसमें अच्छा काम किया है, उसमें आईजी महोदय ने 25,000 का इनाम पुलिस की टीम को दिया है, 25,000 का इनाम मेरे द्वारा पुलिस की टीम को दिया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मैथिल ब्राह्मण शबा ने प्रदर्शन किया है। बरेली थाना भोजीपुरा के गांव मनेहरा निवासी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दामोदर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। मैथिल ब्राह्मण समाज और परिवार वाले गांव वालों ने मिलकर दामोदर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर मैथिल ब्राह्मण सभा के महासचिव ओपी शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया। ओपी शर्मा ने बताया, थाना भोजीपुरा के गाँव मनेहरा निवासी सोमपाल की गला दबाकर शरीर की अनेक हड्डियां तोड़कर दर्दनाक मौत की गई थी। इस मामले में थाना भोजीपुरा पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, जो कि 4 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज है। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसको लेकर परिवार वालों ने जमकर दामोदर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाई के हत्यारे हैं, वो अंदर जाए सलाखों के। कब हत्या हुई थी? 13 को। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक की हुई है। कहाँ का मामला है? थाना भोजीपुरा मनेहरा। और इसमें जो है हमारी संस्था के लिए इन लोगों ने जो है ये लिख करके दिया कि ये हमारे साथ में जो है अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो हमारी संस्था के निर्णय के अनुसार हम लोगों ने 31 जुलाई 2021 को माननीय DM बरेली को जो है एक धरने का नोटिस दिया कि इनके जो है मामले में सुनवाई की जाए। इनकी मुख्य मांग है कि जो है हत्या के FIR में जो 4 लोगों के नाम हैं, नामजद हैं, उसमें से जो है एकमात्र को गिरफ्तार किया गया है, शेष अन्य
तीन को भी गिरफ्तार किया जाए, उनकी मुख्य मांग यह है। उसी को लेकर के मृतक के हताश पिता ने कई प्रार्थना पत्र संबंधित पुलिस अधिकारियों को यहाँ से DGP तक दिए और उसके बाद जो है उसमें कोई निर्णय ना होने पर हताश होकर के उसने जो है आत्मदाह का नोटिस विधानसभा लखनऊ पर 15 अगस्त को करने का मतलब SSP बरेली को दिया है, जिस पर हमारी संस्था की मांग है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके हत्या हुई सोमपाल के पिताजी की, उसके जो पिताजी के जो नोटिस है उस नोटिस को, आत्मदाह के नोटिस को स्थगित कराया जाए, उसको जो है कैंसिल कराया जाए। और जिले के ब्रजमनगंज नगर पंचायत के समाज सेवी राकेश जायसवाल ने 10 वर्ष से चल रही प्रेमी प्रेमिका को शादी के बंधन में बांधकर प्रेमिका को ससुराल भेजा। बताते चलें, प्रेमी और प्रेमिका प्यार का प्रवाह 10 वर्ष पहले अम्बेडकर नगर के किछौछे से चला। दोनों जीने मरने की एक साथ कस्में खाने लगे। जहां प्रेमी हिंदू धर्म का था, वहीं प्रेमिका मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखती है। समय बीतता गया और लोगों की इसकी भनक हो चली। लड़के को मारा, धमकाया गया और वो अपने घर नगर पंचायत ब्रजमनगंज चला आया। प्रेमिका कुछ दिन बाद घर से भागकर ब्रजमनगंज आ धमकी। परिजनों को पता चला तो वो भी ब्रजमनगंज जाकर थाने पर इसकी शिकायत की, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुलाकर उनके सामने ही प्रेमी प्रेमिका के नाबालिग होने की जानकारी पर पूछताछ करते हुए दोनों से बातचीत की। प्रेमी प्रेमिका ने सबके सामने एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात कही है, जिसको देखते हुए समाज सेवी राकेश जायसवाल ने प्रेमी प्रेमिका की हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा कर उसे आशीर्वाद देते हुए ससुराल भेज दिया है। शादी अपनी मर्जी खुशी से की हम लोग जी। इसमें किसका योगदान रहा और आपको क्या क्या दिक्कत हुई? दिक्कत यही, थाने में गए थे तो फिर राकेश भैया ने कहा चलिए हमारे पास यही सारा राकेश भैया कराए हैं। अच्छा, हम लोग राजी खुशी से। ये सतीश हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं। ये लड़की, इसका नाम है सोना, ये अम्बेडकर नगर की रहने वाली है। ये सतीश वहीं पर काम करते थे तो इनका 10 वर्षों से उसके साथ संबंध था, लेकिन यह इसको छोड़ के यहाँ चले आए थे तो कल यह अचानक यहाँ आई और अपनी फरियाद थाने पर लगाना चाहिए तो हम लोग उसको थाने पर से बुलवा करके, और चूंकि दोनों लोग बालिग हैं, दोनों लोगों के घर वालों से भी बात हुई तो दोनों लोगों का हमने इसी कार्यालय से शादी करा दिया सारे समाज के सामने। राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने किया तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत। बरेली शुक्रवार को अमर उजाला के माध्यम से निकाली गई तिरंगा यात्रा का राष्ट्र जागरण युवा संगठन के माध्यम से DDpuram शहीद चौक पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी लोगों पर पुष्प वर्षा के साथ पानी एवं बिस्किट का वितरण किया गया। संगठन के महासचिव अमित भारद्वाज ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भी हमारे देश की जनता के दिल में देश के लिए प्रेम जिंदा है। संगठन हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार है। राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी हर्ष सहानी ने जानकारी देते हुए कहा, इस तरीके के शहर में और देश में कार्यक्रम होने चाहिए ताकि सभी देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना जिंदा रहे। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा, 15 अगस्त के दिन आरोहण के बाद कृपया सभी देश के तिरंगे की गरिमा को बनाए रखें। सड़कों पर या डस्टबिन में तिरंगा का अपमान करते हुए उन्हें ना फेंकें, तिरंगे को संभाल कर रखें, ये हमारे देश की शान है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और राष्ट्रीय मुझे मिल गए, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हुई कि एनसीसी कैडेट हमारे साथ में आए, हम लोगों ने सहयोग किया, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। और लड़कियों बेटियों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और ये भारद्वाज जी, जो आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? राज जागरण युवा संगठन द्वारा अमर उजाला की स्वतंत्रता दिवस के पूर्व उस पर रैली निकाली गई, उसका हमारे सभी साथियों ने और हमारी बालिकाओं ने सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया। और राज जागरण युवा संगठन सदैव ऐसे कार्य में तत्पर रहता है। हमारी रनिवा भंडारी जी के नेतृत्व में और रोजिंदर जी के नेतृत्व में देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा युवाओं को यही संदेश देता आया हूँ कि हमें देश के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए
और लोगों को नई दिशा देने का कार्य राह जागरूक वक्तों से हमेशा करता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।